सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ गाइज आप सब लोग ठीक हो गए। सो भाई लोग, आज की इस वीडियो का गाइज यार टॉपिक कुछ अलग है। आज की इस वीडियो में गाइज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर गाइज जो हमारा कस्टम रूम होता है, जो गाइज यार काफ़ी लोग को पसंद है और यार काफ़ी लोग को चाहिए होता है। ठीक है, कस्टम रूम भी खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो उसकी गाइज यार मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे गाइज यार आप लोग अनलिमिटेड कस्टम रूम अपने के लिए ले सकते हो। और साथ ही साथ गाइज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो अपना गिल्ड का स्पेस है उसको भी गाइज यार फ्री पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और गाइज यार और एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी पिछली वीडियो का गिव अवे का विनर है तो वो गाइज यार मैंने निकाल दिया। आप लोग मेरी लिंक विंक कॉपी करके सब चीज़ गाइज कर दिया है और आप लोग देख लेना उसका जो यूआईडी, वो गाइज इधर पे मैंने कॉपी करके उसको दे दिया 100 डायमंड्स। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इस वीडियो पे भी पार्टिसिपेट होना है गिव अवे के लिए तो आप लोगों को इस वीडियो पे लाइक एम करना है 2000 लाइक से, और यार कमेंट सेक्शन पे अपनी यूआईडी दे देनी है गेम की, और यार वीडियो को पूरा देखना है तभी गाइज आपके विनर बनने के चांस होंगे क्योंकि मेरा चैनल नाइटबॉट से कनेक्टेड। ठीक है, तो चलिए गाइज यार वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो अगर आप लोग को अनलिमिटेड कस्टम रूम चाहिए तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग को एक गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर गाइस आप लोग एक फेसबुक आईडी बना लो जो भी। ठीक है, तो आप लोग को एक मतलब न्यू आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने गाइस बहुत सारे गूगल अकाउंट बनाए अभी, क्योंकि गाइस यार इधर से मैं कस्टम रूम ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जैसे भी गाइस आप लोग गूगल अकाउंट ये सब बना लोगे तो सबसे पहले गाइस यार आप लोग को वो जो आईडी है उसको गाइस ओपन कर लेना है। ठीक है, सो जैसे भी गाइस यार आप लोग आईडी को ओपन करोगे तो आप लोग का पहला मैच स्टार्ट हो जाएगा। आजकल गाइस ऐसे ही हो रहा है, तो आप लोग गाइस क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला मैच है इसको गाइस यार बैक कर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बैक होता है आप लोग को पता ही है। तो आप लोग ने गाइस जैसे भी इसको बैक कर लिया तो यहाँ पर गाइस आप लोग को आपका नेम पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग को कुछ भी नेम डाल देना है। और गाइस मेन चीज़ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी गाइस आप लोग, जैसे मैंने नाम इसका कस्टम रख दिया, ठीक है, कस्टम ऐसे लिखा था मैंने, तो आप लोगों को कुछ भी नाम रख देना है, वो आपकी मर्जी है। तो आप लोग नेम रखने के बाद गाइस होगा क्या, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोग को एयरड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गाइस क्या करना होगा, बस ये जो 10 रुपये वाला एयरड्रॉप है इसमें आप लोग देख सकते हो मुझे 300 डायमंड मिल गए डायरेक्टली, और वो भी बस यार गेम खोलते ही। मतलब यार आप लोग आजकल हो क्या रहा है, बिना आपको कोई मैच खेले वेले जैसे भी आप लोग न्यू अकाउंट बना रहे हो तो आप लोग को एयरड्रॉप आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आप लोग को यार 10 रुपये का एयरड्रॉप तो यार आप लोग परचेस कर ही सकते हो यार, आप लोग को पता ही है बहुत आसान है। जो लोग परचेस नहीं कर सकते उनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, जैसे आपने गाइस यार एयरड्रॉप परचेस कर लिया, आप लोग को यहाँ से गाइस यार 300 डायमंड मिल गए। ठीक है, अब गाइस 300 डायमंड मिलने के बाद आप लोग को जाना है जो स्टोर वाला जो ऑप्शन है उसमें। ठीक है, जैसे भी आप लोग यार स्टोर वाले ऑप्शन पर जाओगे तो नीचे पर गाइस यार आप लोग को एक आइटम वाला ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि गाइस यार कस्टम रूम कार्ड होगा। ठीक है, तो आप लोग को यार 300 डायमंड मिल जाएंगे तो आप लोग यार 3 कस्टम एक ही बार पे खरीद सकते हो। ठीक है, सो ऐसे ही कर करके गाइस यार आप लोग तीन कस्टम कर करके अलग अलग आईडी बना के बहुत सारे गाइस यार कस्टम रूम कलेक्ट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड को भी आइडिया बता सकते हो यार। फ्रेंड मतलब जिसके पास यार 10 रुपये तो एटलीस्ट होंगे, तो यार खुद दोनों मजे कर सकते हो 10-10 रुपये में एयरड्रॉप वेड्रॉप परचेज करके 10 या फिर 29। ठीक है, अब गाइज ये ट्रिक का फायदा क्या है, आप लोगों को कोई गिल्ड विल्ड में भी जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे बहुत से लोगों को गिल्ड भी नहीं मिलता है और बहुत से लोगों को ऐसा गिल्ड मिलता है जहाँ पर यार कस्टम रूम भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब गाइज यार ये तो ट्रिक थी यार एयरड्रॉप वाली। अगर आप लोगों को फ्री वाली ट्रिक भी चाहिए होगी तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो। ठीक है, सो गाइज यार अब बात करते हैं सेकंड टिप्स के बारे में कि कैसे आप लोग अपना जो गिल्ड का स्पेस है उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है गाइज, क्योंकि गाइज यार गिल्ड का स्पेस बढ़ाने के बहुत एडवांटेज होते हैं। अगर आपके गिल्ड का स्पेस बड़ा होगा तो आप लोग को यार ज़्यादा बंदे आप लोग ऐड कर सकते हो, और ज़्यादा बंदे ऐड करोगे तो जल्दी जल्दी आपका गिल्ड ग्रो हो जाएगा। ठीक है, सो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले गाइज यार अगर आप लोग को मेरे गिल्ड पर ज्वाइन करना है, जो भी अगर अभी तक वीडियो देख रहा है तो आप लोग मेरा गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरे गिल्ड की आईडी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे, तो मेरी गिल्ड की आईडी यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग का 58 लेवल प्लस है, और अगर आपकी 1500 लाइक प्लस है, और अगर आपके हेडशॉट रेट थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा भी नहीं मांगता हूँ मैं, तो हेडशॉट रेट अगर ठीक है और केडी भी ठीक है तो आप लोग ये गिल्ड पे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे गिल्ड का नाम टीम लेजेंड है। ठीक है, सो गाइस अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग गिल्ड की स्पेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को गिल्ड की स्पेस बढ़ानी है तो सबसे पहले आप लोग को अपनी न्यू आईडी बनानी पड़ेगी, जैसे अपने स्टाइल मैंने शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, आप लोग गूगल अकाउंट बनाओ, फेसबुक अकाउंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप लोग को न्यू आईडी बनानी पड़ेगी, और फिर आप लोग को एयरड्रॉप भी परचेस करना पड़ेगा, सेम स्टेप है। ठीक है, जैसे भी आप लोग एयरड्रॉप परचेस कर लोगे आपके हाथ में आ जाएंगे 300 डायमंड। ठीक है, तो जैसे भी गाइज आप लोग के 300 डायमंड आ जाएंगे मान के चलो, तो आप लोग को गाइज यार जिस गिल्ड का स्पेस बढ़ाना है, ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे को ये अपना गिल्ड का स्पेस बढ़ाना है, जैसे मेरे गिल्ड का नाम टीम लेजेंड है, वैसे तो इसकी स्पेस गाइज 50 है पूरी, तो मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे गाइज आपको मान के चलो अपना जो भी आपका गिल्ड होगा उसको बढ़ाना है, तो आप लोग को वो जो नुबड़ी वाली आईडी जिसमें आपने एयरड्रॉप परचेस किया है तो उसको अपने गिल्ड में पहले तो आपको इन्वाइट कर लेना है। ठीक है,
तो जैसे भी गाइज यार आप लोग गिल्ड पे उसको इनवाइट कर लोगे, तो उसके बाद गाइज आप लोग क्या करना है उसको गाइज यार मतलब ऑफिसर बनाना है, ठीक है। तो आप जैसे भी यार उस आईडी को ऑफिसर बना लोगे, तो आप लोगों को क्या करना है उस ऑफिसर वाली आईडी से, मतलब नोबड़ी वाली आईडी से जिसमें आपको 300 डायमंड 10-20 रुपए में मिले होंगे, तो उससे गाइज आप लोगों को गिल्ड का स्पेस बढ़ा लेना है, ठीक है। अब गाइज मैं दिखा देता आपको गिल्ड का स्पेस कहाँ से बढ़ाते हैं, बट गाइज मेरी गिल्ड की पूरी स्पेस और बढ़ चुकी है, मतलब अब मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ, ठीक है। 50 के बाद गिल्ड की स्पेस बढ़ती नहीं है, तो फिर भी गाइज मैं बताता हूँ कहाँ से बढ़ते हैं जिसको पता नहीं है। तो गिल्ड की स्पेस यहाँ से बढ़ती है, नीचे पे आप लोग का एक ऑप्शन होता है, आप लोग देख सकते हो 4-5 ऑप्शन मिले हैं, तो यहाँ पर एक आप लोगों को गिल्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब गिल्ड का स्पेस बढ़ाने का। अभी मेरे उसमें नहीं है क्योंकि यार मेरा गिल्ड का स्पेस पूरा बढ़ चुका है, ठीक है, अब नहीं दिखा रहा है। जिसके उसमें यार 30 का स्पेस होता है तो उनके उसमें दिखाता है गिल्ड का स्पेस बढ़ाने का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर से एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप लोग गिल्ड का स्पेस बढ़ा सकते हो, बस यार ऑफिसर ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को वो आईडी को ऑफिसर बनाना पड़ेगा या फिर लीडर बनाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों में से एक। तो आप लोग ऑफिसर या फिर लीडर बना के अपना गिल्ड का स्पेस बढ़ा लेना, और बस गाइज ऐसी करके आप लोग गाइज अपना गिल्ड भी ग्रो कर सकते हो। सो गाइज यार आज के लिए तो बस मैं दो ही टिप्स देना चाहूँगा गिल्ड से रिलेटेड। तो मुझे गाइज यार बहुत सारी टिप्स पता है, जैसे गाइज अगर आप लोग के पास कम भी बंदे हो तो कैसे आप लोग अपने गिल्ड को ग्रो कर सकते हो वो भी मुझे पता है। तो अगर आप लोग को सारी वैसी वीडियो भी चाहिए होगी, अगर आपको इसमें अच्छा लगा होगा, तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग यार वीडियो को लाइक कर देना बस। तो बस गाइज यार आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।